अटैचमेंट इश्यूज किसको नहीं होते, चाहे वो गन वाले हों या दिल वाले। दिल वालों का तो कोई खास हाल नहीं है, लेकिन आज आपके सारे गन अटैचमेंट इश्यूज सॉल्व करने आ गया हूँ मैं। टिप वन। तो सबसे पहली टिप में हम बात करने वाले हैं कुछ मसल्स के बारे में, और इनमें हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, कॉम्पेंसेटर, सप्रेसर एंड फ्लैश हाइडर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पेंसेटर के बारे में। गाइस, कॉम्पेंसेटर का एक ही काम होता है, और वो है आपके रिकॉइल को कम कर देना। तो अगली बार जब आप एक इजी हेडशॉट मिस करोगे तो आप बोल सकते हो, अब देख तू, अब तू गया बेटा। अगर आपको वेपन का साउंड सप्रेस करना है या फ्लैश हाइड करनी है तो कॉम्पेंसेटर ये नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली अगर आप एक स्टेल्थी गेम खेलना चाहते हो, छुप छुप के खेलना चाहते हो, या एनिमी को अपनी पोजीशन आसानी से रिवील नहीं करना चाहते हो, तो आगे के दो मसल्स आपके लिए यूजफुल होंगे। हमारा नेक्स्ट मसल है सप्रेसर। गाइस, ये आपके वेपन के साउंड को कुछ हद तक सप्रेस करता है, और साथ ही साथ आपके वेपन के जो फ्लैश होता है वो भी हाइड कर देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि एनिमी के मिनी मैप में आपका सप्रेस शॉट भी विजिबल होगा, तो ऐसे में अगर आप स्नाइपर्स DMR पर सप्रेसर यूज करते हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन गाइस याद रखना, जब आपकी वो क्रश जो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, उसके लिए अगर आपके फीलिंग्स जग उठे तो वो ये चीज सप्रेस नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट मसल आता है फ्लैश हाइडर, और इसके नाम से ही आपको इसका काम पता चल गया होगा कि ये वेपन एक फ्लैश को एकदम एलिमिनेट कर देता है, और साथ ही साथ ये रिकॉइल भी कुछ हद तक कम कर देता है। तो ऐसे में अगर आप लेट के खेलना ज्यादा पसंद करते हो तो ये वाला जो मजल है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। टिप 2। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाले हैं कुछ ग्रिप्स के बारे में। मेनली हमारे पास गेम में 6 तरह की ग्रिप्स होती हैं, लेजर ग्रिप, थंब ग्रिप, लाइट ग्रिप, एंगल ग्रिप, वर्टिकल ग्रिप एंड लास्ट में हाफ ग्रिप। अगर सबसे बेस्ट ग्रिप की बात करें जो क्लोज रेंज में हम यूज कर सकते हैं, तो वो मेरे मानने में लेजर ग्रिप है गाइस। अब लेजर ग्रिप आपके वेपन के बुलेट स्पेड को कम कर देता है, तो जितनी भी आपकी गोलियां वेस्ट होने वाली थी बिना ग्रिप के वो अब नहीं होंगी, और ज्यादा से ज्यादा गोलियां आपकी सीधा एनिमी से कनेक्ट होंगी। गाइस, नेक्स्ट ग्रिप है हमारा थंब ग्रिप। अब थंब ग्रिप का काम होता है कि आपका ADS को जल्दी से ओपन कर देना। तो क्लोज रेंज में अगर आपको कभी भी स्कोप खोलना पड़े तो थंब ग्रिप के साथ अगर आप स्कोप खोलेंगे तो वो जो चंद माइक्रोसेकंड का डिफरेंस है ADS खोलने में और फायर करने में, वो सबसे कम आपको थंब ग्रिप में रहेगा, और ये कुछ चंद सेकंड्स ही बहुत मायने रह सकते हैं क्लोज रेंज कॉम्बैट में, समझ रहे हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रिप्स के बारे में जो कि लॉन्ग रेंज प्लेज में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहली ग्रिप आती है हाफ ग्रिप। अब गाइस, हाफ ग्रिप का काम होता है कि आपके रिकॉइल को कम कर देना और साथ ही साथ गन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देना, एंड इसी के साथ ये रिकॉइल रिकवरी में भी बहुत काम आती है। तो जाइए एक बार ये हाफ ग्रिप को भी थोड़ा भाव दीजिए और ट्राई कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्रिप पे जो कि है वर्टिकल ग्रिप। ये ग्रिप हमें वर्टिकल रिकॉइल से बचाती है। वर्टिकल रिकॉइल बेसिकली वो होता है कि जब आप गन फायर करो और सीधी डायरेक्शन में अपने टारगेट की तरफ रखो तो वो गन फायर करते करते ऑटोमेटिकली ऊपर की दिशा में चलने लग जाती है। तो अगर आप नॉन जायरो खेलते हो तो वर्टिकल ग्रिप को जरूर से ट्राई करना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गन फायर करते हुए पूरी कायनात आपको नूब बनाने में लगी हुई है, और इसलिए आपके जो सारे बुलेट्स हैं वो एनिमी के ऊपर से ही चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्प्रेज के लिए बेस्ट ग्रिप, एंड मेरी ओपिनियन में वो है गाइस एंगल ग्रिप। ये आपकी रिकॉइल को तो कम करती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपका ADS भी थोड़ा फास्ट ओपन करती है, और पर्सनली मेरे को ये स्प्रेज में बहुत मजा देती है। गाइस, अब फाइनली हमारे पास बचती है एक लास्ट ग्रिप जो है लाइट ग्रिप। अगर आप DMR यूज करते हो तो ये ग्रिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग रेंज में फाइट्स लेते हो DMR के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत आती है एमिंग में और रिकॉइल मैनेजमेंट में, और ये ग्रिप आपको उन दोनों चीजों में हेल्प करती है। एक कंपैरिजन हो जाए DMRs का विद एंड विदाउट लाइट ग्रिप का साइड बाय साइड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप 3। तो नेक्स्ट टिप में हम बात करने वाले हैं मैगजीन्स के बारे में। गेम में मेनली हमारे पास 3 तरह की मैग्स होती हैं गाइस, और सबसे पहले बात करते हैं उनमें से क्विक ड्रॉ मैग के बारे में। अब इसकी जो रीलोडिंग स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। बेसिकली एनिमी अगर आपको डैमेज देता है और अगर आप कवर में रीलोड करने जाओगे और आपके पास क्विक ड्रॉ मैग है, तो ऐसे में आपकी गन तो फास्ट रीलोड होगी और आप एनिमी से जल्दी वापस एंगेज कर सकते हो। अब ये आपकी रिलोडिंग स्पीड को तो बढ़ा ही देगा, लेकिन आपकी एमो कैपेसिटी जो है वो सेम ही रहती है। तो अगर आपको एमो कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटेंडेड मैग। तो गाइस, एक्सटेंडेड मैग में आपकी जो रिलोडिंग स्पीड है वो नहीं बढ़ती, लेकिन एमो कैपेसिटी जो है वो जरूर बढ़ जाती है। और AR गन्स में इसे लगाने के बाद आप अप टू 40 एमो कैरी कर पाओगे, और M249 में तो आप अप टू 150 एमो तक भी कैरी कर पाओगे। पर अगर आपको 40 बुलेट AR में कम पड़ रही है तो आप जो है वो शॉप में जा सकते हो और वहां जाकर एक ड्रम मैग भी खरीद सकते हो, जिससे आपकी AR गन्स की जो कैपेसिटी है वो 50 बुलेट तक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको 50 बुलेट भी कम पड़ रही है तो ये रहा चुल्लू भर पानी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वॉटर। और अगर आपको दो काम एक ही बैग में चाहिए, मतलब कि फास्ट रीलोडिंग स्पीड एंड एक्सटेंडेड मैग, तो आपको यूज करनी है क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड मैग।
इसमें आपको मिलेगा फास्ट रीलोडिंग स्पीड और साथ ही साथ आपकी एमो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये याद रखना, एमो कैपेसिटी AR में सिर्फ 40 तक की बढ़ेगी, जो ड्रम वाली आपको कैपेसिटी है वो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको वो 20 एक्स्ट्रा बुलेट्स चाहिए जो आपको ड्रम एक्सटेंडेड मैग से मिलेंगे, तो आपको रीलोडिंग स्पीड को कॉम्प्रो करना पड़ेगा। अगर आपका एनिमी आपसे अप टू 50 मीटर दूर है तो आप रेड डॉट और होलोग्राफिक साइट से भी उन्हें सफिशिएंटली डाउन कर पाओगे एंड दोनों में आपको अच्छा फील्ड ऑफ व्यू भी मिलता है। लेकिन अगर आपका एनिमी अप टू 100 मीटर दूर है या फिर उससे ज्यादा दूर है तो आपको बड़ा स्कोप यूज करना पड़ेगा, जैसे कि 3x, 4x या फिर इवन 6x। और अगर आपका एनिमी उससे भी ज्यादा दूर है तो वो एनिमी नहीं है, वो एक रैंडम सा पेड़ या पौधा है जिसे आप पिछले 10 मिनट से फायर कर रहे हो। तो अब आ ही गए हैं स्कोप्स पे, तो बात करते हैं 6x और 8x के बारे में, जो है कन्वर्टेबल स्कोप्स। मतलब सिंपल है, 8x में इस स्लाइडर को यूज करके आप 4x में कन्वर्ट कर सकते हो और सिमिलरली 6x में भी आप ये एक स्लाइडर यूज करके उसे 3x में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मॉडिफाइड 4x और 3x दोनों का जो जूम है वो उतना ही होता है जितना अटैचेबल 3x और 4x में होता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो पहले क्या करना है, आपको खोलना है उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलने के बावजूद, अच्छा स्टॉक नहीं, स्टॉक की बात करना चाहता था मैं। तो स्टॉक का AR गन्स में काम होता है शेक को कम कर देना, और यही रीजन है कि M4 और SCAR-L में इतना सिमिलर होने के बाद भी M4 ज्यादा स्मूथ लगती है, क्योंकि M4 में हम स्टॉक लगा सकते हैं और SCAR-L में नहीं। और ऐसी कई गन्स हैं जिन पे आप स्टॉक यूज कर सकते हो, जैसे कि M249, M16, Vector, SKS वगैरह वगैरह। और भी बहुत गन्स होंगी शायद, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस कौन सी और गन्स हैं जहां पे आप स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप 7। तो गाइस ये सारे अटैचमेंट्स लगाने के बाद भी अगर आपका M416 का स्प्रे अच्छा नहीं है तो शॉप में जाकर आप दो ऐसी अटैचमेंट्स खरीद सकते हो जिससे आपके M4 का स्प्रे एकदम लेजर प्रिसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉप में आपको एक स्पेशल मजल दिखेगा जिसका नाम है मजल प्री, एंड एक स्पेशल ग्रिप दिखेगा जिसका नाम है एर्गोनॉमिक ग्रिप। एंड इन दोनों अटैचमेंट्स को अगर आप यूज करके स्प्रे मारोगे तो दोस्तों आपके स्प्रे एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। अब ये देखो बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन। 8। तो गाइस अगर हम शॉप तक पहुंच ही गए हैं, इधर आपको एक स्पेशल अटैचमेंट मिल जाएगी जिसकी मदद से आप सिंगल फायरिंग गन्स जैसे कि M16, Mini-14, Mutant, SKS या फिर SLR को ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको लगाने के बाद आपके गन में एक एक्स्ट्रा मोड आ जाएगा जिसे हम ऑटो कहते हैं। तो एसेंशियली ये मोड क्या करता है कि सिंगल फायर और बर्स्ट मोड वाली गन्स को ये एक ऑटो मोड दे देता है। तो एक बार जाके अपनाओ और देखो, शायद आपके स्प्रेज M16 में M4 जितने अच्छे निकले। एनीवे ऑन टू द नेक्स्ट टिप 9। अब बात करते हैं LMG यानी कि लाइट मशीन गन्स की। तो गाइस इन गन्स में आपको एक शील्ड मिलती है जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी को कम एक्सपोज रख सकते हो। अब ये काम इसीलिए आती है क्योंकि बहुत बार ये मशीन गन बहुत ही अनस्टेबल रहती हैं। मतलब इनको अगर खड़े होकर फायर करोगे तो इनमें रिकॉइल, स्टेबिलिटी, बुलेट स्प्रेड सब बहुत हाई रहते हैं। तो अगर आप इनको यूज करते हो, आप जनरली इनको लेट कर ही यूज करते हो या फायर करते हो, और इनकी जो ये शील्ड्स हैं इन्हें आप यूज कर सकते हो अपने एनिमी से बचने के लिए। तो LMG की जो ये स्पेशल शील्ड है आपको मिल जाएगी DP28 और M249 जैसी गन पर। तो अगर आप लेट के फायर करते हो और अगर आपको गाड़ियां फोड़ने में मजा आता है तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। 10। दोस्तों शॉप के बारे में हमने बात तो कर ली जहां पर हमें अच्छे खासे सामान और स्पेशल आइटम्स मिल जाती हैं, लेकिन इन स्पेशल आइटम्स की हमें प्राइस भी पे करनी पड़ती है जो कि कभी कभी थोड़ी सी हाई होती है। तो आप एक ऐसी छोटी सी दुकान ढूंढ सकते हो जो कि मैप में रैंडमली स्पॉन होती है, जहां पर आपको स्पेशल आइटम्स पर सेल दिखेगी। इस शॉप पे आपको सेम आइटम्स हाफ प्राइस पे भी मिल जाएंगे और बाकी आइटम्स भी जो आपको नॉर्मल शॉप पे दिखते हैं वो भी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तो अगर रश करने जा रहे हो और अटैचमेंट के साथ साथ एमओ भी उठानी है तो आप यहाँ से वो आराम से खरीद सकते हो। उम्मीद है आज के एपिसोड के बाद आप मुझसे काफी अटैच हो चुके हो दोस्तों और मेरे बाकी सारे एपिसोड्स को बिंज करने वाले हो। और अगर नहीं करने वाले हो दोस्तों तो ये बहुत गलत कर रहे हो यार, तुम जाके देखो ना। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ टिप्पणी मुझे देनी हो तो जरूर दे दो और मुझे चलता करो। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय एंड कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन।